This iconic white structure on the shores of Mumbai is visited by thousands of pilgrims from across the country every day. The Haji Ali Dargah, built in the 14th century in memory of Peer Haji Ali Shah Bukhari, is a Sufi shrine as it houses the saint's tomb. But in recent days, the atmosphere at the Dargah is not the usual calm but tense, as a Mumbai-based group working for Muslim women has challenged the ban imposed on women from entering the shrine. Dr. Noorjehan, Niaz and Zakia, Soman have claimed that the restriction imposed on women is a case of gender discrimination, and the restriction was imposed sometime between 2011 and 2012. Boom spoke to the pilgrims visiting the shrine as to what they felt about the entire controversy. तो आपको लगता है कि अंदर नहीं जाना अंदर नहीं जाना चाहिए एक अलग अंदर जाने के बाद में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वहां बैठ के वो क्योंकि ये बेपर्दगी होती है इसमें औरतों को देखिए हिंदू धर्म में भी है औरतों को छुपाना चाहिए अन छुपाना चाहिए माल छुपाना चाहिए औरतों को भी छुपाने का हुक्म है आज जरा ज्ञानी लोग से पूछो उसी तरह इस्लाम में भी कवर करने का हुक्म है आप देखेंगे वहां पे कवर देते हैं लेडीज जो भी जाती हैं कि आप सर ओढ़ के जाओ दुपट्टा ओढ़ के जाओ ऐसे जाना मना है और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग आने लगे हैं कि वो बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से वो बंद होना चाहिए और इस चीज़ का जो भी जिम्मे है जो भी है वो धर्मगुरु के ऊपर आता है हमारे आलिम है आलिम को आप फॉलो करो ना कि ये पब्लिक पब्लिक तो बोले कि जाइए अच्छा जाने में क्या होता है मालूम है आदमी वसवसे होता है आदमी के अंदर एक शैतान जागता है इसीलिए औरतों को मस्जिद में जाना मना है इसी वजह से औरतों को औरतें मस्जिद में नहीं जाती इसी वजह से कि आदमी के दिल में वसवसे होता है जो शैतान फितूर डालता है उसके दिमाग में गंदी ख्यालात आते हैं उस शैतान की वजह से इसीलिए मना किया गया मस्जिद में भी और दरगाहों पे भी माँ के पेट में से तो बच्चे लड़के जन्म हुआ है तो बाबा को फर्क किधर होना ही नहीं चाहिए सबको बेटी हो बेटा हो सब लोग को जाना ही देना होता है उनका भी तो हक है ना बेटी का भी तो हक है नारी नारी बोलो तो एक सब नारी के पेट से ही तो जन्म लेता है ना पुरुष किधर सकता है माँ के पेट से तो माँ से बड़ा हो गया तो उसको थोड़ी के नारी को अलग कर दो और खाली जेंट्स दो ये तो अत्याचारी है ये तो मतलब सबको जाना चाहिए बेटी हो बेटा हो फर्क नहीं रखना होता भगवान के पास हर लोग जाना चाहिए लड़की लड़का सब तो ऊपर वाले ने बनाया सबको बनाया बराबर क्यों आई थिंक वुमेन शुड बी अलाव टू गो इनसाइड और अंदर दरगाह के अंदर सबको जाने का अलाव करना चाहिए क्योंकि हम लोग अकेले ही है जो हम लोग बाहर से देख के इतना सुकून नहीं मिलता जितना अंदर जाके मिलता हमें तो बेटर देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर दरगाह यस ऑफ कोर्स देयर इज नो रीजन लाइक टू होल्ड वुमेन बैक फ्रॉम एनीवेयर लाइक नाउ इफ यू सी एवरीवेयर वुमेन एज वेल एज मैन बोथ आर ट्रीटेड इक्वली सो इफ एट ऑल देयर इज एनी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देन इट शुड बी open to everyone and they should explain why as in women are not allowed अपने अपने मदद की बात है जो जिसको जाना है तो जा सकते हैं और क्योंकि अपन नहीं जा सकते उनके वहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए कि अपन बाहर से ही पैर पड़ लेना चाहिए भगवान हो ईश्वर हो या अल्लाह हो सब भी जा सकते हैं उसके पास कोई भी ऐसा भेदभाव ऐसा कुछ भी अंतर नहीं रखते सबको एंट्री मिलनी चाहिए और सबको भगवान के पास सर नमा के जाना चाहिए हमारे धर्म में इस्लाम धर्म में स्ट्रिक्टली औरतों का खासतौर पर दरगाहों पे जाना तो हमारे शरीयत का कानून है तो किसी इसमें फैसला नहीं हो सकता किसमें आपके जो कोर्ट अदालत है ना इसमें फैसला नहीं हो सकता क्योंकि धार्मिक जो होता है ना अदालत धार्मिक जो कानून होता है वो अलग होता है उसके हिसाब से उसको परमिशन नहीं मुझे ऐसा लगता है कि औरतें 40 कदम दूरी रहे तो ठीक है औरतों का एकदम अंदर जाना नहीं चाहिए नहीं जाना चाहिए औरतों को एक्चुअली क्योंकि वो औरतों का मतलब पहले से वहाँ जाना मना ही है उनका मतलब औरतों को टोटली नहीं जाना है एक्चुअली ये फिक्स ही है पहले से फिर भी औरतें जाती है मानती नहीं लेकिन जो परंपराएं होते पुरानी अगर उससे कोई दिक्कत आती होंगी या रुकते होंगे तो उसे या उसका डिसमिस होता होगा ख़त्म होता होगा तो रुका नहीं चाहिए क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे जो बहुत पुराने खालस से जैसे अब इंडियन जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरातन यानी प्राचीन को मानती है इसलिए प्राचीन से मानती है इसलिए तो एक जो वुमेन सेफ्टी हुई वुमेन सेफ्टी या आरक्षण के हिसाब से तो जाना देना चाहिए लेकिन जो यहाँ पे जो परंपरा है वो परंपरा का उच्छेद होती होंगी तो रोकना भी चाहिए आई थिंक दैट्स माई ओपिनियन पहले से नहीं जाने देते तो बिल्कुल
देना चाहिए या देना चाहिए, मैं दोनों भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा चल रहा है वैसे चलाने में अच्छा ही है, क्योंकि अब तक कुछ हुआ ऐसे चलने तो चलना ही ठीक है। जाने देना चाहिए क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो हमारी तो यही गुजारिश है कि जाने देना चाहिए उन लोगों से। हमने अपनी मन्नतें मांगी थी, कम से कम 11 साल हो गया, 11 साल बाद अब आए हैं तो ये होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, यानी कि एक दिन के लिए हमेशा ही होना चाहिए, कभी किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मंजी मस्जिद हो गुरुद्वारा कोई भी कहीं भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए चीज़ के लिए। जी अभी ट्रेडिशन तो जैसा चल रहा है कि पहले से नहीं कि औरतों को अलाउड, कुछ वजह है उसकी जो हमारे यानी क्या बोलते हैं उनको धर्मगुरु उनके पास इसकी रीज़न रहते हैं कि किस वजह से अलाउड नहीं, उनसे बात करेंगे तो उनसे रीज़न अगर नुकसानदायक रीज़न है तो जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो चलने रहे तो ठीक है। जाने देना चाहिए क्योंकि इतने दूर से आते हैं फिर दर्शन होता नहीं, क्या फ़ायदा, जाने देना चाहिए। प्रभु के हम सब बराबर हैं, चाहे वो हाजी अली हैं, चाहे वो शनिदेव हैं, चाहे हनुमान जी हैं, या कोई माता हैं, सबका बराबर का हक होना चाहिए, यही है। उसके लिए हमें कोई स्त्री या पुरुष ऐसा कोई स्पेशल किसी के लिए स्थान नहीं है, उन्होंने किसी को कभी अलग नहीं माना, जो मैंने वेद पढ़े हैं देखा है उसका सब कुछ सुना नहीं है, बाकी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, सबको अलाव हो जाना चाहिए, यहाँ पर है या कहीं भी है।